आप सबको नमस्कार। इस समय मैं चंडीगढ़ में हूँ और एक पार्क में थोड़ी देर के लिए बैठा, बहुत सुकून फील हुआ यहाँ पे। ज़ीरकपुर में आप सबको पता है कि सबसे बड़ी कमी पार्क की है। इसका कारण तलाशने की ज़रूरत है कि किसकी कमी से आज की डेट में ज़ीरकपुर की सारी जगहों के ऊपर सोसाइटी बनी हुई है, लेकिन लोगों के बैठने सैर करने के लिए कुछ एक गिने चुने, और वो भी एक छोटे कह लीजिए 1000-2000 गज के पार्क छोड़े हुए हैं, जिसको भी अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं ये लोग। ज़ीरकपुर में आज की डेट में डीलर्स ने लगा रखा है कि भाई हमारे पास सस्ते प्लाट हैं इस जगह पे, वहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन जो प्लाट खरीदने जा रहे हैं, क्या कभी डीलर से सवाल पूछ रहे हैं भाई कि पार्क है क्या, बच्चों के खेलने की जगह है क्या, स्टेडियम के लिए जगह छोड़ी है आप लोगों ने? ऐसा कोई सवाल नहीं पूछ रहा। इसका कारण यह है कि लोगों के पास लिमिटेड फंड है, फंड लिमिटेड होते हैं, और आज की डेट में कॉमन मैन तो सिर्फ यह सोचता है कि हम अपना खुद का घर बना लें तो बहुत बड़ी बात है। इसी का फ़ायदा ये डीलर सब उठाते हैं। आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं, वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि वाकई में ज़ीरकपुर में पार्कों की संख्या बढ़नी चाहिए तो अपने विचार ज़रूर शेयर करिएगा। हाँ, आप सब ने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग आपकी सोसाइटी में सैर करने के लिए सड़कों पे निकले होते हैं, रात हो या सवेर। इसका मुख्य कारण है पार्क का ना होना। हम सबको जागने की ज़रूरत है, प्रशासन से डिमांड करने की ज़रूरत है। भविष्य में बच्चे कहाँ खेलेंगे? आजकल आपकी सोसाइटी में 2-4 प्लॉट खाली होंगे, बच्चे उसका इस्तेमाल करके वहाँ खेल रहे हैं, लेकिन जब उन प्लाट्स पे घर बन जाएंगे तब बच्चे कहाँ खेलने के लिए जाएंगे? कभी सोचा है आपने? नहीं, टाइम ही नहीं है भाई हम लोगों के पास यह सब सोचने का। दूसरी चीज मैं यह भी कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा धोखा मुझे लगता है फ्लैट खरीदने वालों के साथ हुआ है। फ्लैट बेचते समय लोगों ने उनको बताया होगा कि जी आपको यहाँ पार्क मिलेगा, जिम मिलेगा, सारी सोसाइटी लश ग्रीन होगी, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया होगा कि 1000-2000-5000 लोगों की सोसाइटी में केवल 1000-2000 गज का एक पार्क छोड़ दिया जाएगा। किसी दिन वैसे ही सोसाइटी की गैदरिंग कर लें उस पार्क में, तो 1 इंच जगह भी नहीं मिलेगी खड़े होने के लिए। और लोगों को सपने दिखा के करोड़ों में कबूतर खाने आज की डेट में भी बेचे जा रहे हैं। जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं मेरे हिसाब से सारे यूज़लेस हैं। पार्क में इतनी ठंडी हवा चल रही है, इसके सामने एसी और कूलर सब फेल है। आप लोग जानते हैं इस समय टेम्परेचर 40 डिग्री प्लस है, फिर भी पार्क में इतने पेड़ पौधे लगे हुए हैं जिसकी वजह से यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। ज़ीरकपुर में भी पेड़ पौधे लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस सब की जिम्मेदारी हर ज़ीरकपुर नागरिक को लेने की ज़रूरत है कि खाली जगहों पे वह पेड़ लगाए। आप लोगों का क्या विचार है
ज़रूर शेयर करिए। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँ, जो लोग इन प्रोजेक्ट को पास कर रहे हैं वह ज़रा भविष्य के बारे में सोचें। जितने भी पुरानी कॉलोनियाँ हैं सब पे 20-20 22 फुट रोड छोड़े हुए थे, आज की डेट में उन गलियों का इतना बुरा हाल है वह आप लोग जानते होंगे, और भविष्य तो बहुत बुरा होने वाला है। दिल्ली की तरह लोगों को पार्किंग 2-4 किलोमीटर दूर करके ऑटो रिक्शा पकड़ के घर आना पड़ेगा, ये याद रखना। अगर अभी भी प्रशासन ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, क्या कमियां हैं यह सब आप लोग जानते हैं, और कमियों को आप वीडियो पर कमेंट करके भी बता सकते हैं। आने वाले समय में और भी वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें बताऊंगा कि मेरी नज़र में क्या क्या कमियां हैं। फॉर श्योर इतना सुकून, चिड़ियों की चहचहाट जो यहां सुनने को मिल रही है यह ज़िरकपुर में तो आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए चंडीगढ़ को द सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है, तो आप जानते हैं। और यहाँ पे तो हर सेक्टर में 2-4 पार्क बने हुए हैं सैर करने के लिए, रनिंग करने के लिए, आप खेल भी सकते हैं। तो इसी की ज़रूरत है, अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है। प्रशासन कर सकती है, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर सरकारी दबाव होने की वजह से मे बी वो कुछ नहीं कर पाते होंगे, लेकिन आने वाले समय में जो भी प्रोजेक्ट ज़िरकपुर में लग रहे हैं इन सब मूलभूत सुविधाओं का मेरे हिसाब से ध्यान रखा जाना चाहिए। धन्यवाद।